नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत छुईया घाटी धोखरी नाले में मिली युवक की लाश की पुलिस ने शिनाख्त कर हत्या का खुलासा कर दिया। युवक की पहचान विवेक तिवारी निवासी लोही थाना कोतवाली के रूप में हुई थी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो हत्या का खुलासा हो गया। हत्या करने वालों में युवक के साथ ही रवि तिवारी पिता दीनानाथ तिवारी निवासी महाजन टोला, विवेक नामदेव पिता संतलाल नामदेव निवासी रीठी थाना सिटी कोतवाली शामिल है। बताया जाता है कि मृतक कोतवाली थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश है, जिसके खिलाफ हत्या, मारपीट, चोरी, 25 आर्म्स एक्ट और एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। आरोपियों ने बताया कि युवक से तंग होकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू, वारदात में उपयोग की गई पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। गोविंदगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 के नगद इनाम की घोषणा की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि बकरी चराने गई किशोरी ने सब देखा था, जिसकी सूचना वह परिजनों को दी थी। परिजनों की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची और सबको शिनाख्त करने के बाद पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने क्या कहा है। कल जो है छुईया घाटी में धोखरी नाला है, वहां एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। उसकी हत्या की गई थी, उसके गले में चोट था, उसके हाथ पैर में चाकू से चोट थी और उसे पत्थर से ढांक करके दबा करके छुपाने का प्रयास किया गया था। एक बच्ची बकरी ढूंढने के लिए वहां गई थी, उस बच्ची ने वहां पे ताज़ा खून देखा। खून देखने के बाद उसने जब करीब गई तो देखा कि लाश दबी हुई है, तो वो घबरा गई और वो वापस जा करके गोविंदगढ़ में अपने पिता को इसकी सूचना दी। पिता भी उसकी सूचना पर जाकर के उसने मौके पर जाकर सत्यापन किया कि क्या घटना है। जब उसने देखा कि यह तो हत्या है, वो वापस लौट करके थाने गोविंदगढ़ पहुंचा और उसने सूचना दी। ये सूचना मिलते ही जो है थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया। हम लोगों ने तत्काल जो है 3 टीम बना करके वो घटनास्थल पर भेजा उसको। हमारे लिए ये चुनौती थी कि वो लाश अज्ञात थी, वो किस व्यक्ति की है ये पता नहीं था। जब लाश पंचनामा हुआ, FSL फिंगरप्रिंट और अन्य जो पुलिस की टेक्निकल टीम थी वो जब वहाँ पहुँची और उसने जब उसका लाश का पंचनामा बनाया, तो पंचनामे के दौरान कुछ दस्तावेज मिले। उस दस्तावेज के आधार पर 4 घंटे के अंदर हमने पता कर लिया कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति जो है विवेक तिवारी है और ये लोही का रहने वाला है, थाना कोतवाली का ये निगरानी बदमाश भी है। जब ये जानकारी हो गई तो दूसरी टीम ने ये पता लगाया कि इनके साथ कौन कौन लोग थे घटना के दिन। तो ये पता चला कि 2 व्यक्ति जो है इनको लेकर के छुईया घाटी की तरफ मोटरसाइकिल पल्सर से गए थे। ये जब जानकारी हुई तो ये पता लगाया कि मोटरसाइकिल कौन थे, फुटेज देखे गए, उसमें नंबर आया, नंबर तलाश करके इनका पता लगाया गया। तो पता चला कि रवि तिवारी और विवेक नामदेव ये 2 जो हैं उसके साथ गए थे। पुलिस ने जो है इनकी तलाश की, ये भाग गए थे और पुलिस ने जो है तत्परता के साथ अपने तकनीकी सहयोग के से उनको पकड़ लिया, उनका लोकेशन ट्रेस करके। पकड़ने के बाद जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये जो मृतक है इनको धमकाता चमकाता था और इसकी पेशी सीधी में थी। मोटरसाइकिल से ये लोग सीधी लेके जा रहे थे और इसी बीच इनने पहले से दोनों ने प्लानिंग बना ली थी और कुछ खाने पीने के सामान ले गए थे और वहीं रोक करके खिलाने के बहाने वहाँ ले गए और ले जाने के बाद उसको मारने लगे। ये भी लपट पड़ा मृतक भी, और जिससे विवेक नामदेव को चोट आई सर पे। दोनों ने मिलकर के जब हत्या कर दी तो उसको छुपाने के प्रयास से पत्थरों से दबा दिया, चाकू को अपने साथ ले करके और मोटरसाइकिल ले करके वापस आए। नामदेव ने हॉस्पिटल जा करके डॉक्टर को ये बता करके कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गई जिससे चोट आई है, और उसने उपचार भी कराया। इस तरह पुलिस ने 8 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज मामले को जो है
पड़ताल करके पर्दाफाश कर लिया और अज्ञात 100 को ही नहीं, अज्ञात हत्यारों को भी पकड़ा और उनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी जब्त किया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है, आगे की कार्रवाई साक्ष्य एकत्र करने के बाद उसे न्यायालय पेश किया जाएगा। हत्या अभी तक जो पड़ताल में ये आई है कि जो दो आरोपी हैं उनको वो चमकाता था, मारपीट करता था, उनसे पैसे की मांग करता था और कुछ इनका लेन देन का भी विवाद है जो अभी अस्पष्ट है, अभी उनसे पूछताछ जारी है।